देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। विधाननगर जिले में एक परिवार भू माफिया के खिलाफ आमरण अनशन कर रहा है। वहीं दूसरे दिन भी आज भू माफिया के खिलाफ आमरण अनशन जारी रहा। आमरण अनशन का कदम परिवार ने भू माफियाओं के न्याय न मिल पाने की वजह से मजबूर होकर उठाया। आपको बता दें कि सदर तहसील के नगवा गांव के रहने वाले दया शंकर पांडे की जमीन गांव के ही एक दबंग दुर्गा पांडे ने जबरन कब्जा ली है। इसके लिए यह परिवार अधिकारी के चक्कर लगा रहा है। अधिकारियों द्वारा बार बार सिर्फ आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके बाद हार कर यह परिवार आमरण अनशन करने को मजबूर हुआ। वहीं उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरा परिवार आत्मदाह करने को मजबूर होगा। वहीं आमरण अनशन कर रहे परिवार को मनाने पहुंचे सदर तहसील का कहना है कि इनकी मांगों पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आत्मदाह कर सकते हैं साहब पूरे लोग, वही हमारी खेती है, वही हमारी नौकरी, वही हमारी सब कुछ है। मेरे पास न कोई दूसरा सर्विस है, न मेरे पास कोई आमदनी है, उसी से हम जी खा रहे हैं, उसी से हम अपना हर्ज घर चलाते हैं। और इसके बाद में जब उसी को रोक देंगे तो हम जान भी दे सकते हैं। मेरे साथ जब ये घटना घटी है तब मैं आज तमाम सूचनाओं 28/11/2017 से लेकर के मैं 7/3/2018 तक कंटिन्यू जिला प्रशासन और शासन को इतला दिया है बाई रजिस्टर्ड डाक बाई IGRS के तहत। कुछ अधिकारियों को दस्ती सामने जाकर के हाथ से दिया है, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूर होकर के मैं आज के पूर्व सूचना के आधार पर आमरण अनशन और दाह के लिए बेबस हूँ। ये दयाशंकर पांडे जी जो है यहाँ परिवार से तनसन बैठे हैं, अभी सूचना मिलते तत्काल मैं यहाँ पे आया हूँ। इन्होंने अपने बताया कि परिवार जमीन है, नई जमीन है जिस पे पानी डाल सिंचाई करने से रोका जा रहा है, तो सभी एप्लीकेशन मिला हुआ है, हम जांच करके इसको तत्काल कार्रवाई। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।